क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोविड आता है तब भी हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो हाथ खड़ा कर देते हैं, जब पोल्यूशन का वक्त आता है तब भी हाथ खड़े कर देते हैं, जब वाटर लॉगिंग मॉनसून आए तब भी खड़े कर दिए कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च किया। तो मेरा मानना है कि इस तरीके की सरकार है जो सिर्फ फोटो ऑप में विश्वास रखती है। देखिए दिल्ली में जिस तरीके की बाढ़ आ रही है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की बदौलत है। पिछले 9 साल में अगर 1 रुपए भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे, दिल्ली इतना सा स्टेट है, पूरे देश से लोग वहां पर आते हैं और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया है और पूछा जा रहा है पिछले कई दिनों से कि आप सिर्फ ये बता दीजिए कि पिछले 9 साल में आपने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा खर्च किया है, वो बाहर आके ये जवाब दे दें। जिस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किया उतना ही आप बता दें कि कितना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है। जैसे संख्या बढ़ती चली जा रही है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो दिल्ली कोलैप्स होती चली जाएगी। और मैंने पहले भी बोला, इनफैक्ट कल भी ये चीज बोली थी कि इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था कि ये चीज होनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोविड आता है तब भी हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो हाथ खड़ा कर देते हैं, जब पोल्यूशन का वक्त आता है तब भी हाथ खड़े कर देते हैं, जब वाटर लॉगिंग मॉनसून आए तब भी खड़े कर दिए। तो मेरा मानना है कि इस तरीके की सरकार है जो सिर्फ फोटो ऑप में विश्वास रखती है, दिल्ली की जनता के लिए काम करने में कोई विश्वास नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जानबूझ के छवि खराब हो और कोई केजरीवाल की इसलिए सरकार सहयोग। देखिए ये चीज तो उन्होंने कोविड में भी बोली थी, ये चीज तो वो पोल्यूशन के टाइम भी बोलते हैं, ये चीज तो वो पिछले 9 साल से बोल रहे हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्योंकि इतना घुमा फिरा के मुझे बोलने की आदत है नहीं, मेरा सिर्फ सिंपल सवाल है कि जिस तरीके से आप कहते हो कि आपने एजुकेशन में क्रांति की है, उसी तरीके से आप बाहर आके ये बताइए कि आपने पिछले 9 साल में क्या आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च किया, क्या आपने फ्लाईओवर्स पे पैसा खर्च किया, क्या आपने रोड्स बेहतर करी, क्या आपने सीवर सिस्टम पे पैसा खर्च किया, क्या आपने जो दिल्ली का सीवर सिस्टम है उसको बदलने की कोशिश करी, क्या आपने रोड्स को बड़ा करने की कोशिश करी, क्या आपने यमुना साफ करने की कोशिश करी, क्या आपने लैंडफिल साफ करने की कोशिश करी, क्या आपने डस्ट पोल्यूशन हटाने की कोशिश करी। तो आप ये सवाल है या के या मीडिया को पूछना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री से। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो इसी तरीके से वो हर बार केंद्र पे, सांसदों पे, निगम पार्षदों पे ब्लेम डाल के चले जाते हैं और हम सिर्फ देखते चले जाते हैं। अल्टीमेटली किसको नुकसान हो रहा है? नुकसान सिर्फ एक कॉमन आदमी को हो रहा है। किसी सांसद, किसी विधायक, किसी के घर पानी नहीं गया।